अब देखिए, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिंग विथ जीरो डिविजर और रिंग विदाउट जीरो डिविजर। तो रिंग विथ जीरो डिविजर हम किसको बोलेंगे, माने एक रिंग जिसमें ए रिंग आर इज सेड टू बी विथ जीरो डिविजर इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर इज जीरो। मतलब ए इंटू बी अगर जीरो है, वेयर ए बी ये दोनों आर का एलिमेंट, और आर का कैसा एलिमेंट होना चाहिए ना, ए और बी दोनों ही नॉन जीरो होना चाहिए। तो रिंग का कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तब उस रिंग को हम लोग बोलेंगे रिंग विथ जीरो डिविजर। अब बोलिएगा कि सर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो ऐसे अगर इंटीजर में सोचिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, एक रिंग, उसको समझाने के लिए हम एक रिंग लेते हैं। एक रिंग कैसा रिंग ना, आर इज इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ये सब क्या है, प्रत्येक एलिमेंट आई का एलिमेंट है, मतलब ये सब इंटीजर है। अब हमको देखना है कि सबसे पहले ये जो आर जिसको हम बोल रहे हैं वो रिंग है कि नहीं है। तो ये रिंग है कि नहीं है तो देखना पड़ेगा एडिशन के रेस्पेक्ट में ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। मतलब इस रिंग का कोई भी दो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो और जोड़ो, तो जो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x2 ऑर्डर का मिलेगा ना। और उस चूंकि ये इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर ऐसे मानेंगे तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है। मतलब यहां पर भी जितना चारों जो एलिमेंट आएगा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का, ये चारों एलिमेंट इंटीजर ही होगा। मतलब दो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, दो मैट्रिक्स को जोड़ने से हमको 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब ये आर का एलिमेंट होगा। मतलब दो मैट्रिक्स का जोड़ करने से जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो आर का एलिमेंट है। मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात, इसमें आइडेंटिटी है कि नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। इसमें एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 क्या ये आर का एलिमेंट होगा, है ना, ये मैट्रिक्स इस आर का एलिमेंट होगा। इस आर का एलिमेंट होने के लिए जरूरी क्या है, शर्त क्या है ना, ये सब क्या इंटीजर होना चाहिए। तो 0 0 0 सब तो इंटीजर है, इसका मतलब ये आर का एलिमेंट, ठीक है। तो आर में 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स है। तो इसके साथ इसका कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को जोड़िए, कोई भी एनी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो क्या मिलेगा, यहां पर जो दीजिएगा वही यहां आएगा, आएगा कि नहीं, दोनों को जोड़ने के बाद यहां दो जो दीजिएगा वही यहां आएगा, यहां जो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स यहां आएगा। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद देखना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो ये अगर आइडेंटिटी है, ठीक है, तो इसका कोई एक एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ये एक हम लोग लेते हैं बिलोंग्स टू आर, ये आर का एलिमेंट होने के लिए ए बी सी डी ये कहां का एलिमेंट होना जरूरी है, ये आई का एलिमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये अगर आई का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से ये सब अगर आई का एलिमेंट है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी ये भी सब आई का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि टू अगर इंटीजर है तो माइनस टू भी इंटीजर है, थ्री अगर इंटीजर है तो माइनस थ्री भी इंटीजर है, इसलिए ए अगर इंटीजर है तो माइनस ए भी इंटीजर है, बी इंटीजर है तो माइनस बी भी इंटीजर है, और ए बी सी डी अगर इंटीजर है तभी ये आर का एलिमेंट है। तो ये अगर आर का एलिमेंट है मतलब ए बी सी डी इंटीजर है, मतलब माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी भी इंटीजर है। तो इसको लेकर के अगर हम एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये भी आर पर बिलोंग करेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये सब इंटीजर है। अब यदि दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा कि दोनों को जोड़ने से जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, जीरो 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 मिलेगा। ये दोनों को जोड़ के देखिए,
ए मैट्रिक्स मिलेगा, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसका ए अगर आर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ए हो जाएगा इनवर्स, तो ये इसका प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद देखना है कि एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो एसोसिएटिविटी तो आप लोग जानते ही, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स में एडिशन के रेस्पेक्ट में। उसके बाद कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब ये जो रिंग आर है एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या है, एबिलियन ग्रुप है। उसके बाद देखना होगा मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, मतलब सेमी ग्रुप, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो रहा है कि नहीं। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ए सेमी ग्रुप होगा, क्यों होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। तो ए बी सी डी मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम ले लिए, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स लिए ई एफ जी एच, ये दोनों मान लीजिए आर का एलिमेंट है। तो दोनों आर का एलिमेंट है, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ये आई का एलिमेंट है, माने ये सब इंटीजर है। अब दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने से मिलेगा ए ई प्लस बी जी और हो जाएगा ए ए प्लस बी एच, यहां पर होगा सी ई प्लस डी जी और फिर होगा सी सी एफ प्लस सी एच डी एच, ठीक है डी एच। तो ये जो मैट्रिक्स मिला, ये दोनों को, दोनों अगर मान लीजिए इसी का मैट्रिक्स है, तो ये दोनों को जब प्रोडक्ट किए तो ए ई बी जी ए एफ बी एच ये सब क्या है, आइडेंटिटी है, ये सॉरी आइडेंटिटी बोल रहे हैं, इंटीजर का एलिमेंट है। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर होता है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सब इंटीजर ये सब, क्योंकि सभी दो इंटीजर का प्रोडक्ट है। और दो इंटीजर का एडिशन भी एक इंटीजर, माने ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो इसका मतलब है कि ये 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स हमको मिला दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद, तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट एक इंटीजर है, मतलब ये भी बिलोंग्स टू आर। मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो भी आर का एलिमेंट होगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, तो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है ये हम लोग जानते हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो गया आर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मतलब कि अगर हम यहां एक मैट्रिक्स लेंगे और अंदर में दो मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का, ये भी ये भी ये भी, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा हमको, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों को करेगा। इसका मतलब है कि आर जो है एक रिंग हो गया। अब देखना होगा ये रिंग जो है रिंग विथ जीरो डिविजर है कि नहीं है। तो ये रिंग आर विथ जीरो डिविजर है, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे होगा, इस रिंग में दो एलिमेंट, एक 1000 और एक एलिमेंट 0011, ये दोनों एलिमेंट इसी का है, क्योंकि ये सब क्या है, इंटीजर है, इसीलिए रिंग का एलिमेंट है। दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके देखिए 000 मिलेगा। इसका मतलब है कि दोनों नॉन जीरो है और उसका प्रोडक्ट एक जीरो एलिमेंट मिल गया। एक क्यों जीरो एलिमेंट इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम एडिशन के रेस्पेक्ट में हम इसको देख रहे थे तो यही इसका माने एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हुआ, मतलब ये जीरो एलिमेंट इस रिंग के लिए, ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये जो रिंग है विथ जीरो डिविजर है। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर क्या विथ जीरो डिविजर होगा कि विदाउट जीरो डिविजर होगा, सेट ऑफ इंटीजर
विदाउट जीरो डिविजर होगा, मतलब सेट ऑफ इंटीजर में कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट को लीजिए उसका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर एक क्या है ना, विदाउट जीरो डिविजर, रिंग विदाउट जीरो डिविजर, ठीक है। तो समझ में आया, रिंग विदाउट जीरो डिविजर और रिंग विथ जीरो डिविजर। रिंग विथ जीरो डिविजर में क्या होता है ना, उस रिंग का कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका प्रोडक्ट करने से जीरो आएगा, और विदाउट जीरो डिविजर में कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लो और उसका प्रोडक्ट करो कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है।